पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का गाजीपुर में जबरदस्त धरना प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज शुक्रवार को जिला और शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय के कामरेड स्वर्गीय सरजू पांडे पार्क पर जिलाध्यक्ष सुनील राम की अगुवाई में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। जिलाध्यक्ष सुनील राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आज पूरे देश में नीट परीक्षाओं संग हुई धोखेबाजी को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी चिंतित हैं। नीट परीक्षा में घोटाला सिर्फ छात्रों के साथ धोखा नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ धोखा है। पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे और पूर्व जिलाध्यक्ष मार्कंडे सिंह ने संयुक्त रूप से भाजपा की वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। छात्रों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, इसे फिर से कराए जाने की मांग पार्टी करती है, अन्यथा आंदोलन व्यापक होगा। नीट छात्रों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं संग आंदोलनरत शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने भी नीट परीक्षा में हुई धांधली की जाँच की मांग करते हुए उसे फिर से कराए जाने की मांग की। AICC सदस्य रविकांत राय ने भी सरकार को निकम्मा बताते हुए नीट परीक्षा को फिर से कराए जाने की मांग की। इस मौके पर प्रमुख रूप से PCC सदस्य जनक कुशवाहा, अजय कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश सिंह, राघवेंद्र मुसाफिर बिंद, चंद्रिका सिंह, हामिद अली, आशुतोष गुप्ता, महबूब निशा, कुसुम तिवारी, उषा चतुर्वेदी, सीमा विश्वकर्मा, रामनगीना पांडे, दिव्यांशु पांडे, धर्मेंद्र पाल, मोहम्मद राशिद, रुद्रेश निगम, मिलिंद सिंह, सीताराम राय, उमाशंकर सिंह, वीरेंद्र राय, दिनेश राम, कमलेश्वर प्रसाद, प्रमिला भारती, मोहन चौहान, संजय सिंह, राहुल कुशवाहा, मोहम्मद हनीफ, मंसूर, ओजस साहू, पुष्पा देवी, सुधांशु तिवारी, सबीउल हसन, गुलवास यादव, सुमेर कुशवाहा, आलोक यादव, मीरा चौबे, अतुल पांडे, रईस अहमद, दिनेश तिवारी, प्रवीण दुबे, रितेश विश्वकर्मा, मोहित जावेद, मुश्ताक अक्षयवर बिंद, सतीश सिंह यादव, जय सत्यार्थ, अतुल पांडे आदि मौजूद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यह जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई है बड़े पैमाने पर, उसको लेकर हम लोग गाजीपुर के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है इस सरकार को चेताया है। जो पेपर लीक के नाम से जाने वाली है वर्तमान की सरकार, कि आइंदा आने वाले समय में इस तरह की धांधली अगर होती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को बाध्य होगी। और निश्चित रूप से हम लोग मांग करते हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें, और जो बच्चों का जो आज भविष्य अंधकार में है, इस भविष्य को देखते हुए यह तत्काल इस पर निर्णय हो। और अगर बच्चों के भविष्य के सवाल पर यह वर्तमान सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य। इधर भी देखा गया कि आप लोग बाहर जो है सड़क पर जा रहे हैं तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी है। देखिए, अब वर्तमान सरकार है और वह तो खुद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और यह जो सरकार भी है उन्हीं के इशारे, वह पुलिस जो है उन्हीं के इशारे पर चल रही है, और उसी सरकार के इशारे पर जो यह यहाँ की पुलिस है वह रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस जन बच्चों के भविष्य को लेकर के जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलित रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सरकार बदलनी है।
जिंदाबाद।